बैक टू माई चैनल गाइस। आज हम सर्चिंग और सॉर्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस ऑफ एक्स, फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताओ एक्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। गिवन अ सॉर्टेड एरे ए आर आर कंटेनिंग एन एलिमेंट्स विद पॉसिबली डुप्लीकेट एलिमेंट्स, द टास्क इज टू फाइंड द इंडेक्सेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इन द गिवन एरे। मतलब हमारे पास ए आर आर करके एक एरे दिया हुआ है एन एलिमेंट्स, जिसमें विद पॉसिबली डुप्लीकेट एलिमेंट्स द टास्क इज फाइंड द इंडेक्सेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इन द गिवन एरे। यानी उस एलिमेंट एक्स है 5, तो उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस हमको बताना है। मतलब सीधी सीधी बात है कि उस एरे में एक से ज्यादा एलिमेंट पाए गए हैं, मतलब एक से ज्यादा डुप्लीकेट एलिमेंट पाए गए हैं। अगर हम बेसिकली इस एग्जाम्पल को देखें तो इनपुट दिया है हमारे 9 और एरे दिया है, तो एन एलिमेंट्स है यानी 9 एलिमेंट्स हमारे पास है इस एरे में, और 9 एलिमेंट्स में एक्स दिया है 5, यानी 5 देख सकते हैं यहाँ पे 4 बार रिपीट कर रहा है। अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना है, यानी बेसिकली हमको एक सब एरे लेना है और उस सब एरे का इंडेक्स बताना है। तो ऑब्वियसली वो सब एरे उस बड़े वाले एरे में लाई करेगा, तो उसका बड़े वाले एरे का हमको इंडेक्स बताना है कि इस इंडेक्स से वो शुरू हो रहा है और उस इंडेक्स में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 0 इंडेक्सिंग से शुरू करें तो 1 3 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा 5, और फिर 3 4 एंड 5, 4 डिजिट है, तो 5 5th इंडेक्स पे रुक रहा है हमारा 5। यानी बेसिकली जो 4 पॉसिबल रिपीटेशन है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5 पे 5th इंडेक्स पे रुक रहे हैं। सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होकर 5th इंडेक्स पे रुक रहे हैं 5। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। सिमिलरली एक्स अगर 7 है तो 7 6th इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है और 6th इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, क्योंकि वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, सेम एरे देके रखा है, सेम साइज है, बट यहाँ पर हमको 7x की वैल्यू दी है। एक्स ही हमें 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 एक्स की ही रिपीटेशन बतानी है कि एक्स का फर्स्ट ऑकरेंस क्या है और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो यहाँ पे दोनों का ही ऑकरेंस सिमिलर है, दैट मीन 6 6, तो यानी 7 ए की नंबर है, उसका कोई डुप्लीकेट नंबर है ही नहीं, तो वो जो सब एरे बनेगा वो 7 ए की एलिमेंट का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा वो भी 6 होगा और सेकंड लास्ट ऑकरेंस होगा वो भी 6 होगा। अब चलिए कोड करते हैं इसको। तो कोड में बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि कोड कैसे करना है। तो इसको बाइनरी सर्च के अगर अप्रोच से जाना चाहे तो वो बेस्ट अप्रोच होगी, फिर भी एक अप्रोच हम बता देता हूँ मैं। यहाँ मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, तो वेक्टर इंट फाइंड, फाइंड फंक्शन बनाएंगे हम। फाइंड हमको करना क्या है, तो फाइंड हमको बेसिकली दो चीजें करनी है, तो फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस, किसका जो डुप्लीकेट हो रहा है वो नहीं, जो हमें एक्स दिया है वो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो एक्स हमको दिया है वो रिपीट हो या डुप्लीकेट हो। जैसे हमने सेकंड केस में देखा, हमारे पास एक्स था 7 जो कि डुप्लीकेट नहीं था, जो कि उस एरे में सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा था। तो हमको हमें एक्स का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस देखना है। यहाँ पे मैंने एरे लिख के रखा है कमेंट आउट करके। अब एक वेक्टर क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का, वेक, तो उस वेक इंटीजर में वेक वेक्टर में हम अपनी वैल्यूज इनपुट कर देंगे, और हमने जो फाइंड फंक्शन बनाया है उसमें हमने एरे देंगे एन एंड एक्स। एन एरे है, उसका साइज है एन, एंड एक्स है वो वैल्यू जहाँ जिसकी हमको वैल्यू जिसकी हमको पता करनी है कि उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो वो है एक्स, एन है एरे का साइज। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट है लो जो 0 से है, दूसरा हाई है जो एन माइनस 1 से है। अब वाइल लूप लगाएंगे लो जब तक हाई नहीं होता, इसलिए मैंने बोला था कि बाइनरी अप्रोच से चलेंगे। बाइनरी सर्च के अप्रोच से क्या होता है, हम लो को हाई तक ले जाते हैं। लो बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्सिंग से, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग लेते हैं, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हाई एन माइनस 1, एन होता है पूरे एरे का साइज, एन माइनस 1 हम हाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हम 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से एन माइनस 1 तक हम फॉर वाइल लूप लगाते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं, बट वाइल लूप हम लगाएंगे लो से हाई तक, यानी लो जब तक हाई के बराबर नहीं हो जाता या हाई से छोटा नहीं होता तब तक हमें क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ 3 मेन कंडीशन है। अभी 3 मेन कंडीशन क्या है, एरे में लो है इंडेक्स, हम लो इंडेक्स की बात करें तो एरे का अगर लोएथ इंडेक्स, यानी लो पे जो वैल्यू होगी सपोज 0 है, तो 0th इंडेक्स एरे का उसकी वैल्यू अगर एक्स के बराबर नहीं है तो लो को प्लस प्लस कर देंगे, यानी आगे बढ़ा देंगे। बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमने टाइप करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ कमेंट आउट करके रखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ऊपर आया थे, यहाँ मैं बताता हूँ एक एरो से, तो ये जो एरो है आप देख सकते हैं, तो ये एरो में देख सकते हैं, आगे बताता हूँ। तो सपोज मान लीजिए लो स्टार्ट करा है हमारा 1 से, और 1 है हमारा 0th इंडेक्स पे। अब 1 क्या एक्स के बराबर है, तो हमारा एक्स है 5, क्या 1 एक्स के बराबर नहीं, तो लो प्लस प्लस कर दिया, यानी लो प्लस प्लस कर दिया, यानी आगे बढ़ा दिया हमने पॉइंटर को, आइटरेटर को, और वो तो अब 3 पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे, एक हाई के लिए भी ले लेते हैं, तो हाई के लिए अगर हम लें तो एक हाई पे भी एक आइटरेटर चेक कर रहा है, तो वो हाइड वाला इटरेटर को भी हम ले लेते हैं। तो अब
125, क्या 125 x के बराबर है? नहीं, तो हाई ऑब्वियसली n माइनस वन यानी लास्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है वहां पे पॉइंट आउट करा, तो लास्ट इंडेक्स एलिमेंट यहाँ पे 125 है, क्या वो x के बराबर है? नहीं, तो उसको हाई माइनस माइनस कर देंगे यानी उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे यानी प्रीवियस एलिमेंट पे ले जाएंगे, प्रीवियस इंडेक्स के एलिमेंट पे, दैट इज 123। अब वापस वही चेक करेंगे क्या 123 5 के बराबर? नहीं, तो इसको माइनस करते जाएंगे, ये हो गया 67 पे आ गया, ये 67 पे आ गया, क्यों? और क्योंकि वो x के बराबर नहीं है और x हमारा 5 है। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे हम, क्या एरे का लोएथ इंडेक्स अब हमने बढ़ाया था तो क्या वो x के बराबर है? ऑब्वियसली 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 5 हमारा x है, तो इसको भी लो प्लस प्लस कर दिया हमने। यहाँ पे हमने 67 पे था, तो क्या ये 5 के बराबर है? नहीं है, तो हाई माइनस माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 5 पे। अब दोनों 5 पे अगर आ गए, अब ये वाली थर्ड वाली कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ लो x है एंड एरे ऑफ हाई x है, अगर एरे ऑफ लो यानी एरे का लोएथ इंडेक्स पे जो है, जो जैसे अभी यहाँ पर 5 आ गया और हाई भी 5 पे है, उस केस में, और वो दोनों x के बराबर है, x हमारा 5 था इसलिए मैंने 5 बता रहा हूँ, तो वो अगर एरे का इंडेक्स उस x दिए हुए गिवन x के बराबर है हाई वाले केस में भी और लो वाले केस में भी, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी दोनों 5 पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम वेक डॉट पुश बैक में लो पुश कर देंगे, सेकेंड स्टेप में वेक डॉट पुश बैक करके हाई पुश करेंगे, यानी उस वेक्टर वेक जो हमने क्रिएट किया था, जो एरे क्रिएट किया था वेक नाम का, उसमें लो और हाई पुट पुश कर देंगे। बट लो एंड हाई, रिमेंबर, ये वो इंडेक्स है एरे का, यानी इस एरे का सेकेंड इंडेक्स पे हमको 5 मिल गया, जो कि ये स्टेप बता रही है, अगर नहीं मिलता तो हम लो प्लस प्लस कर देते, और अगर इस एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे हमको 5 मिल गया, अगर नहीं मिलता तो हम हाई माइनस माइनस करते, जो कि हम पीछे से रिवर्स करके उसको लाए हैं। और अगर दोनों एरे का लोएथ इंडेक्स x के बराबर है और एरे का हाईएथ इंडेक्स x के बराबर है, तो उन दोनों को हम वेक्टर में पुश बैक कर देंगे, यानी वो इंडेक्स पुश कर देंगे वेक्टर में और ब्रेक कर देंगे फाइनली। और इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, यानी ये आगे बढ़ते 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 इस एरो के आगे चले आता है, यानी सपोज ये एरो पीछे गया और इस एरो के आगे चले आता है ये, तो क्या होगा हमारे पास? एरे ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख के रखा अबे एरे ही खत्म हो जाएगा ना, तो जब एरे ही खत्म हो जाएगा, जब लो वाला इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? जब लो इंडेक्स हाई से आगे बढ़ जाएगा, तब ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि अगर लो एरे हाई से तभी आगे बढ़ेगा जब वो एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो एरे में इंक्लूड ही नहीं हो, यानी वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं हो, तो इस कंडीशन में वेक डॉट पुशबैक कर देंगे माइनस वन, एंड दोनों स्टेप में वेक डॉट पुशबैक कर देंगे माइनस वन, क्योंकि हमारे पास दो माइनस वन आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इंडेक्स ही नहीं मिला, ना फर्स्ट ऑकरेंस का ना ही लास्ट ऑकरेंस का, तो यहाँ पे जो वेक डॉट पुशबैक कर रहे हैं ये है फर्स्ट ऑकरेंस के लिए, फर्स्ट ऑकरेंस, और यहाँ पे जो हम सेकेंड अलग कर रहे हैं वो है लास्ट ऑकरेंस। ठीक, यहाँ पे सिमिलरली अब अगर हमें लो वाला हाई से आगे चले आ जाए, तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस मिला ही नहीं, इसलिए माइनस वन पुश बैक कर देंगे, दैट मीन्स उस एरे में वैक एरे में हम पुश बैक कर देंगे और रिटर्न बैक कर देंगे, हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। हाँ, ये चीज़, ये कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ पे हमारे पास अगर एक्स 7 है और उसका कोई रिपीटेशन नहीं है, तो वो सीधी सीधी बात है लो प्लस प्लस होती जाएगा, यहाँ पे 1 पे आएगा, 1 7 के बराबर नहीं, आगे बढ़ जाएगा लो, फिर 3 के बराबर 3 से चेक करेगा, 5 से चेक करेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो 7 पे आ जाएगा। सिमिलरली हाई 125 से स्टार्ट करेगा एन माइनस 1 से, वो पीछे जाते जाते 7 पे आ जाएगा, और लो और हाई दोनों ही x के बराबर जब आ जाएंगे, तो वो दोनों उस x का पॉइंटर, उस x का इंडेक्स, वो पॉइंटर उस x का इंडेक्स रिप्रेजेंट कर देगा उस एरे में जो इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स 6 है, इसलिए वो 6 रिटर्न कर रहा है, जो कि हमने दोनों को पुश बैक करके बताया था। तो यहाँ पे पुश बैक यही चीज रिटर्न कर रहा है, और हमने लास्ट में रिटर्न बैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैक में वो दोनों इंडेक्स आ चुके होंगे। सो दिस इज द वीडियो ऑन फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ x। सो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, मोर देन 450 क्वेश्चंस आई थिंक होंगे डीएसए शीट में, बट मैं कोशिश करूँगा कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर सकूँ उतने करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इसी तरह के अपडेट्स, ताकि आपको मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन।